29 जुलाई 2020 एक ऐसा दिन जिस दिन इंडियन एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरीके से बदल दिया गया। सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल के सब्सक्राइब के बटन को जरूर दबा दें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें ताकि अगले आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फीड में से मिस ना हो। तो चलिए बिना बेशर्मी के करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो भाई लोग, ये न्यूज सुनने के बाद सबसे पहले मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि भाई ऐसा ना हो जाए कि अब लड़का लड़की के बीच में बात करने पर भी हमको GDP देना पड़े सरकार को। फिर मैंने सोचा नहीं यार, इतनी बुरी किस्मत तो भाई नहीं है। तो क्या मतलब एक छुट्टी के बाद सीधा 12वीं के एग्जाम होंगे, बीच में कोई एग्जाम देने ही नहीं पड़ेंगे? इतनी अच्छी किस्मत भी नहीं है भाई लोग, क्या ही कर सकते हैं। पर जो एक्चुअल में हुआ चलिए वो जानते हैं। तो यार, हमारी सरकार ने जो सिस्टम में थोड़ा नालायक बना था उसको दोस्तों पूरी तरीके से बाहर निकाल फेंका और अब जो टैलेंट आएगा वो रियल टैलेंट आएगा सामने और रियल टैलेंट को रियल वैल्यू मिलेगी। तो भाई चलिए बिना वक्त बर्बाद किए जानते हैं कि ऐसे वो कौन से चेंजेस हैं जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने किए हैं जिसकी वजह से भाई कुछ लोग तो इतना खुशी मना रहे हैं कि गलती से उनके क्रश का उनके इंस्टाग्राम पे हाय आ गया हो। पर यार गलती तो सबसे हो जाती है, अब क्या ही कर सकते। चलिए फालतू बकवास छोड़ते हैं बगल में और शुरुआत करते हैं असली वीडियो की। तो भाई लोग, सबसे पहला चेंज ये है कि जो आपके जैसे कुछ वोकेशनल सब्जेक्ट होते थे ना, जैसे आपका हो गया डांस हो गया, योगा हो गया, भाई इनको कोई सब्जेक्ट मानता नहीं था और मेरे ख्याल से आज भी नहीं मानते। पर अब बेटा ये सब्जेक्ट तुमको मानना पड़ेगा और तुमको डांस सीखना पड़ेगा। मजा कर रहा हूँ, सुन लो पूरा क्या चीज है। तो यार जैसे पहले इनको कुछ वैल्यू होती नहीं थी तो अब इनको इंक्लूड किया गया और इनको सेम वेटेज दिया जाएगा जो आपके कोर एकेडमिक सब्जेक्ट है उनके बराबरी और जो भी आपका इसमें परफॉर्मेंस होगी सब पूरे चीज़ों में मिला के आपका नॉन एकेडमिक और एकेडमिक उसके साथ ही आपका रिजल्ट नया बनेंगे, ठीक है ना। और यार भाई एक बात की बात है कि मेरे दोस्त के भाई 97 मार्क्स आ गए थे डांस में। भाई सही बता ना, उसको डांस का डी भी नहीं आता था पर मेरे को खुद नहीं पता कि उसके 97 आ कैसे गए, बाकी चारों सब्जेक्ट में उसको मिला के भी नहीं पहुंचे थे उसके 97। और भाई हमारी स्पेशलिटी तो ये है कि हम अच्छे से अच्छी चीज़ में भी भाई गलतियाँ हम निकाल सकते हैं, वो भी चुटकी बजाते हुए। अब यार ये परसों की बात है, मेरा दोस्त मेरे से बोला कि यार लगता है कि फेसबुक को अपना थोड़ा बिजनेस की स्ट्रेटजीज इंप्रूव कर लेनी चाहिए। अब यार उसकी शक्ल देख के मेरे को दुख तो बड़ा हुआ और रोना भी आने वाला था, पर मैंने कहा नहीं दोस्त के सामने रोएंगे नहीं भाई, अपना एटीट्यूड थोड़ा गिराने का उसके सामने। तो मैंने बोला देख यार तू अपना काम कर, उनका बिजनेस को तू रहने दे, काम कर, सबसे पहले तो अपने मार्क्स और अपने पढ़ाई इंप्रूव कर ले, जाके फिर बात करेंगे उनके बिजनेस के बारे में बाद में, ठीक है ना। और भाई लोग, जो आपका पहले सिस्टम हुआ करता था रट्टा वाला, वो तो भाई अब गया, वो समझ लो कि वो सिस्टम डूब गया। पहले नहीं क्या, हम एग्जाम के एक रात पहले बुक का नाम, बुक का चैप्टर का नाम, चैप्टर के ऑथर का नाम, ऑथर का एड्रेस, पिन कोड, बीवी का नाम, सॉरी ज्यादा हो गया। तो यार हम ये चीजें पूरा रट लिया करते थे, पर अब ये भाई चलेगा नहीं। पर सुन लो भाई लोग, एक अच्छी बहुत बात हुई है कि तुम्हारा जो प्रेशर है वो कम कर दिया गया है पूरे स्टूडेंट्स के ऊपर से निकाल के। ये कहा गया कि हम थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल में फोकस करेंगे और प्रैक्टिकल कैसे होते हैं वो तो हमको पता ही है, ठीक है ना। बट अब ये ध्यान दिया जाएगा कि आपको जो थ्योरी है वो पार्ट थोड़ा कम हो, मतलब जैसे करेक्ट तो पता नहीं, बस 25 से 30% मेरे ख्याल से कम किया गया सिलेबस, बहुत है भाई लोग 25 से। अब ये मत समझना कि कम करना तो 100 से सीधा 10% कर देते हो, अभी तो फिर स्कूल जाए के रहो, घर में बैठ जाओ और क्या है। तो अब जानते हैं कि कॉलेज वालों के लिए ये स्कीम में क्या खास है। तो यार देखो, पहले क्या होता था कि जो कॉलेज में बच्चे पढ़ते थे उनको कभी कभार जैसे 1 साल या 2 साल की डिग्री कंप्लीट करने के बाद वो उनको कॉलेज को ड्रॉप आउट करना पड़ता था, भले ही वो कोई भी रीज़न हो जाए, चाहे फाइनेंशियल हो या कुछ भी हो। तो उनको 4 साल की डिग्री का कुछ भी नहीं मिलता था, उनको वापस से शुरुआत से वही दौड़ वापस दौड़नी पड़ती थी जिसमें वो दौड़ना नहीं चाहते, ठीक है। फिर अब क्या किया गया कि यार जैसे अगर तुम्हारा कोई भी रीज़न हो और तुम्हें छोड़ना पड़ता है बीच में जैसे 1 या 2 साल बाद, तो उतने वो टाइम पीरियड तक तुम्हें तुम्हारा सर्टिफिकेट मिल जाएगा और जब तुम 4 साल पूरे कर लोगे तब तुमको तुम्हारी पूरी डिग्री मिल जाएगी। तो भाई इसका मतलब क्या, अगर क्रश ने कॉलेज बदल लिया और मैं भी बदलना चाहूँ तो मैं छोड़ सकता हूँ? कुछ भी भाई सही बता रहा हूँ, ऐसे ही लोग होते हैं जिनकी वजह से सरकार को अपनी पॉलिसी वापस से चेंज करनी पड़ती है और वापस से उनको दोबारा से नए सिरे से सोचना पड़ता है। पर चिंता मत करो, पॉलिसी कहीं बदलने नहीं जा रही, जो तुमको मजे चाहिए वो सरकार ने पूरे तुमको दे रखे हैं, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। रुको, जाना नहीं, कहीं जाने का ही नहीं है, क्योंकि ये वाली जो पॉलिसी है, जो आखिरी पॉलिसी है, वो भाई बहुत ही धमाकेदार है। तो यार अब ये पॉलिसी का नाम है सेल्फ असेसमेंट। अब देखो क्या होगा कि आपको एकेडमिक में ये इंक्लूड होगा, आपको अपने आप को असेसमेंट करना पड़ेगा। अब देखो यार, हमको आदत क्या होती है कि दूसरों को असेस करने की, तो हमको बहुत अच्छी आदत होती है और हम बड़े एक्सपर्ट होते हैं वो चीज़ में। पर अब यहाँ पर हमको खुद को असेस करना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल ले लो, जैसे एक पॉइंट है स्पोर्ट्स या CC एक्टिविटीज, तो आपको उसमें असेस करना पड़ेगा, पर रीज़न देना पड़ेगा कि भाई क्यों दे रहे हो उससे अपने। ऐसा नहीं कि किसी को फुटबॉल खेलना नहीं आता, वो फुटबॉल में हमने आपको 100 में से 100 दिए बैठा है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। पर यार भाई सही बता रहा हूँ, अगर ये वाली पॉलिसी या ये वाली पावर मेरे पास होती ना, तो मैं अपने आप को भाई 10 में से 15 मार्क्स तो कम से कम दे के आता हर एक एक्टिविटी में। उसके बाद भले ही मेरा प्रिंसिपल से पंगा क्यों ना हो जाए, वो चलता मेरे को।
तो यार ये तो थी आपकी पॉलिसी में चेंजेस एजुकेशन सिस्टम में। अगर आपको थोड़े और डीप में जानना है गूगल में भी चेक कर सकते हो। वैसे मेरे को पता है कि आपको जानने में कोई इंटरेस्ट है नहीं, तो इसलिए नहीं जाना तो अच्छा होगा। पर हाँ, दो काम भाई लोग जरूर कर देना, तीन काम। ठीक है ना, पहला तो है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे दोस्तों, साथ ही में वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूले अपने दोस्तों और फैमिली के साथ। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो यार मैं लिंक अटैच कर रहा हूँ अपने इंस्टाग्राम आईडी का नीचे, वहाँ आके प्लीज फॉलो कर ले, क्योंकि वहाँ भी हम कॉन्टेंट बांटते रहते हैं, जैसा कि नॉलेज बांटते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।